तो एक ज दिवस में प्रोहिबिशन ना चार केस सुधी विदेशी दारू तथा वाहनों साथ कुल 1,32,200 ना मुद्दा माल जब्त करती अमीरगढ़ पुलिस। प्रदीप शेजूर साहेब पोलिस अधीक्षक बनासकांठा पालनपुर तथा श्री ऋषिकेश उपाध्याय साहेब नायब पोलिस अधीक्षक डीसानाओए आगामी लोकसभा की चूंटनी मुक्त तथा निर्भय वातावरण में रोजाय ते माटे गैरकायदेसर दारू ने हेराफेरी करता एसएमओ सामे कड़क अमलबारी करवा सूचना करता श्री सीपी चौधरी पोलिस सब इंस्पेक्टर अमीरगढ़ तथा अमीरगढ़ पोलिस स्टाफ ना भरत भाई विक्रमदान हसमुख दान मयंक भाई विजय भाई अशोक भाई हसमुख भाई नी टीम द्वारा एक ज दिवस में अमीरगढ़ में आवेल घूमटी इकबालगढ़ रबारिया झांझरा वगैरह स्थलों नाकाबंदी करी विदेशी दारू की बोटलों नंग 87 किंमत रुपया 17,200 तथा मोटरसाइकल नंग 4 किंमत रुपया 1,10,000 मोबाइल नंग 1 किंमत रुपया 5 मड़ी कुल 1,32,200 नो मुद्दा माल कब्जे कर्यो छे। उपरोक्त विदेशी दारूना गुनामा आरोपियों दिनेश कुमार उर्फे पिंटू कांतिलाल मोदी रहे कमालपुरा पालनपुर शंकरभाई ओदाभाई डुगारिया रहे रींचणी धार चोराभाई शंकराभाई रहे रींचणी धार सुखाभाई बाबूभाई परमार रहे खजूरिया मोहम्मद वसीम बाउद्दीन नागोरी रहे पाटड़ीओनी धरपकड़ करी रिमांड मेळवी उपरोक्त दारू आपनार तथा खरीदनार ने सलाह करनार सह आरोपीओनी धरपकड़ करवानी तजवीज हाथ धरी छे। आ उपरांत अमीरगढ़ना बॉर्डर विस्तार में आगामी लोकसभा चूंटणी अन्वये 3 पोलीस चौकीओ 24 कलाक कार्यरत करी नाकाबंदी दरमियान बॉर्डर विस्तार में आवता जता वाहनों चेकिंग करी गैरकायदेसर प्रवृत्ति अटकाववा सघन प्रयत्नों हाथ धरवामां आव्या छे। आगामी मास में लोकसभा चूंटणी अत्यार राज्य में योजनार छे जे अनुसंधाने गुजरात राजस्थान ने जोड़त आ बॉर्डर पोलीस स्टेशन है अँ दारू की हेराफेरी वधु प्रमाण में थती हो आ प्रवृत्ति ने अटकाववा माटे अने एना माटे थईने अहींया पोलीस स्टेशनना तमाम स्टाफनी अलग अलग टीमों बनावेल छे ने गई काले आ टीमों द्वारा कुल 4 दारूना विदेशी दारूना केसो शोधी काढेल छे जेमां 17,200 दारूनो मुद्दामाल छे अने कुल मुद्दामाल 1,32,200 पकड़ी लीधेल छे। आ टीमों द्वारा अमे बॉर्डर परथी पसार थता वाहनों पण चेकिंग करवामां आवे छे अने जे बूटलेगरो छे लिस्टेड के आ प्रकारनी प्रवृत्ति जे आचरी रहेल छे ए लोकोना त्यां सघन रेडो करवामां आवे छे अने आ प्रवृत्ति बिलकुल नेસ્નાબૂદ થાય એના માટે અમે એકદમ સઘન ઝુંબેશ ચલાવી રહ્યા છીએ। સતીશ રાણા સાથે અનેસ ગુજરાત ન્યૂઝ બનાસકાંઠા।